1 kg मिल्क को बीच बीच में हिलाते हुए गर्म करना है और गैस को बंद कर देंगे। 2-4 मिनट बाद हम 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर लेंगे और इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे और धीरे धीरे ही हमें इसे मिक्स करना है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से हमें दूध को धीरे धीरे हिलाते रहना है। दूध आधा फट चुका है, देखिए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर और ऐड करेंगे और धीरे धीरे मिक्स करेंगे। आप एक बार ऐसे छन्ना निकाल कर ज़रूर ट्राई कीजिए, ऐसे छन्ना बहुत सॉफ्ट निकलता है। मैंने यहाँ पर 1 केजी मिल्क में 2 टेबलस्पून विनेगर यूज़ में लिया है। इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे हिलाते हुए देखिए दूध अच्छे से फट चुका है, पानी अलग हो चुका है और छन्ना अलग, देखिए। अब हम इसे छानेंगे। छानने के बाद हम इसे दूसरे बाउल पर रखेंगे। 10-15 मिनट हम इसे ऐसे ही रहने देंगे कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। देखिए छन्ना कितना सॉफ्ट हुआ है, ये 1 बाउल छन्ना हुआ है। इसे हम एक जार में डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। छन्ना ब्लेंड करने के बाद देखिए अच्छे से स्मूथ नहीं हुआ है, इसे हम और स्मूथ करेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून जो छन्ने का पानी था वह हम इसमें ऐड करेंगे और इसे वापस ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद देखिए छन्ना एकदम स्मूथ हो चुका है। देखिए ये चीज़ क्रीम रेडी है।